जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले पर्युषण पर्व का शुभारंभ किया गया। युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी की महती कृपा से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व की सम्यक आराधना कराने हेतु 13 पंथ समाज ध्रुव को उपासिका द्वय का सानिध्य प्राप्त हुआ। पर्युषण पर्व के पहले दिन खाद्य संयम दिवस उपासिका डॉक्टर श्रीमती वीरबाला छाजेड़ ने खाद्य संयम पर अपनी अभिव्यक्ति देने के पश्चात सम्यक दृष्टि कैसे बने पर विशेष उद्बोधन देते हुए सभाजनों से आह्वान किया कि विचार करें, मैं कौन हूँ, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, अपने शाश्वत लक्ष्य को पहचाने और उस पर पड़े अज्ञान रूपी आवरण को हटाएं। उपासिका श्रीमती साधना कोठारी ने खाद्य संयम पर बताते हुए भोजन क्यों, कब, कैसा, कितना पर विस्तार से जानकारी दी। मंगलाचरणम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभा के मंत्री संजय चोपड़ा ने उपासिकाओं के आगमन पर हर्ष व्यक्त करते हुए डॉक्टर श्रीमती वीरबाला छाजेड़ का जीवन परिचय का वर्णन किया। उपासिका श्रीमती साधना जी कोठारी का जीवन परिचय 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती विनीता बरडिया ने प्रस्तुत किया। श्रीमती सौम्या आकांक्षा बरमेचा ने स्वागत गीतिका का संगान किया। श्रीमती पिंकी सूरज बरमेचा ने खाद्य संयम पर गीतिका का गायन किया। सभा के अध्यक्ष देवेंद्र बरमेचा, तिलोकचंद बरमेचा, मूलचंद धाड़ीवाल, निर्मल श्री शिमौल, कैलाश बरमेचा, सुखलाल बरडिया, तेयुप अध्यक्ष मुदित दुधोडिया, सचिव ऋषभ बरमेचा, 13 पंथ महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती विनीता बरडिया, सचिव श्रीमती श्वेता बरमेचा सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने कार्यक्रम में उपस्थित हो आध्यात्मिक लाभ लिया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप बरमेचा ने किया। बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। रास्ते की सेवा के दृढ़ पहल के रूप में चंद्रमन जी साहब और दूर के श्रावक श्री मंगलाल जी, प्रकाश चंद जी, संतोष ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।